हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं ललित यादव अपनी एक और धुआंधार रिवीजन सीरीज क्लास में आप सबका वेलकम करता हूं। और आज की क्लास में हम मेन मेन की पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय के। देखिए, जब भी हम इंडिया के न्यायिक प्रशासन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो हाई कोर्ट जो है ना, वो अपर लेवल पर आपको देखने को मिलता है। ये चीज आप सबको पता है कि भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, जिसमें सबसे ऊपर देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आपको हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे आपको अलग अलग कोर्ट्स जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट्स आप देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें आपको और भी कई सारे सबोर्डिनेट कोर्ट्स जिसको आप देखेंगे, विलेज कोर्ट्स है ना, लोक अदालत, फैमिली कोर्ट्स, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। तो अल्टीमेटली एक हायरार्की में चलता है। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है, डिसीजन है, जो रूल रेगुलेशन है, वो सबको फॉलो करने पड़ते हैं। जो भी अगर उसने कोई ऑर्डर दिया या कोई भी रूल उसने बनाया, कोई भी डिसीजन दिया, उन सभी को नीचे के जो कोर्ट हैं वो फॉलो करते हैं। सेम यही चीज हाई कोर्ट के लिए भी है। हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है तो उनको उसके नीचे के जो कोर्ट हैं वो भी हाई कोर्ट की अवहेलना जो है नहीं कर सकते। अब भारत के अंदर आपको जानकर के ये काफी ज्यादा सरप्राइज होगा कि इंडिया में सबसे पहले अगर हम बात करते ना कि हाई कोर्ट कब बना, तो 1862 में, 1862 में सबसे पहले उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, जब कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इन तीन हाई कोर्ट की स्थापना हुई। आप अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के चैप्टर एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 1 में मैंने ये चीजें बहुत डिटेल से डिस्कस की आपके साथ। तो उस टाइम इस तरीके से हाई कोर्ट बना, और ब्रिटिश भारत के अंदर जो भी प्रांत था, जितने भी ब्रिटिश भारत के प्रांत थे, हर प्रांत का अपना एक हाई कोर्ट था। जब हम आजाद हो जाते हैं तो उनका स्थान राज्यों ले लेते हैं, और उन राज्यों के लिए जो प्रांतीय जो उच्च न्यायालय थे वो अब राज्य के उच्च न्यायालय बन जाते हैं, स्टेट के हाई कोर्ट जो है बन जाते हैं। अब एक और सरप्राइजिंग फैक्टर ये है कि भारत का जो मूल संविधान था उसमें हर स्टेट के लिए, ईच एंड एवरी स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट की बात की गई थी। लेकिन उस टाइम 1950s में जब हम एज ए कंट्री ग्रो कर रहे थे, तो अब हमें समझ में आया कि अभी हमारे पास इतनी फंक्शनरीज नहीं है, इतने फंड्स नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम हर स्टेट के अंदर जो है अलग सेपरेट हाई कोर्ट का सिस्टम एस्टेब्लिश कर पाए। तो इसलिए एक अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको हम बोलते हैं सेवंथ अमेंडमेंट, सातवां संशोधन हुआ 1956 में, 1956। इससे कई सारे चेंजेस हुए थे, कई सारे बदलाव आए थे। इससे एक बदलाव तो आप पढ़ते हैं कि राज्यपाल के लिए प्रावधान किया गया था कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, एक ही टाइम में दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आप देखोगे, ठीक है, वो भी इसी दौरान ही बना था। सातवें संशोधन के माध्यम से हाईकोर्ट के मामले में ये प्रावधान कर दिया गया कि संसद को पावर दे दी गई, पार्लियामेंट को एक पावर दे दी गई कि संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह दो या दो से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। इसका मतलब अब रास्ता क्लियर हो गया कि जो छोटे छोटे राज्य हैं उन सब के लिए अलग से हाई कोर्ट ना बना करके उन सबको के लिए एक हाई कोर्ट बना दे, या कुछ यूनियन टेरिटरीज है उनको हाई कोर्ट स्टेट के साथ जोड़ करके फिर हाई कोर्ट बना दे। क्योंकि सभी यूनियन टेरिटरीज के लिए अलग से हाई कोर्ट बनाना पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे यूनियन टेरिटरीज है वो सारी। तो इसलिए इससे ये भारत में आप देखोगे कि करंट में आज के टाइम 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है। सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट जो बना है वो अमरावती में बना है। आपको याद होगा आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ और तेलंगाना बना, तो उसके बाद अमरावती में सबसे लेटेस्ट जो है नया हाई कोर्ट बना है। ठीक, अब भारत में तीन हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनके क्षेत्राधिकार में एक से अधिक राज्य हैं। यूनियन टेरिटरीज की बात नहीं कर रहे, केंद्र शासित प्रदेश वाले मामले में संख्या और ज्यादा हो जाती है, जिसमें हम बात करें केवल राज्य राज्य भी सम्मिलित है। तो आपको याद होगा पंजाब, हरियाणा, गुवाहाटी और शायद एक मुंबई, ठीक है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ही ऐसे हैं जिसमें एक से अधिक राज्य शामिल है। लेकिन अगर हम यूनियन टेरिटरीज को भी जोड़ लें तो इंडिया में सात ऐसे हाई कोर्ट हैं जिसमें एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके नाम आप सबको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हम बुक में आप देखोगे तो बुक में आपको लिस्ट दिखाई देगी, उस लिस्ट में आपको मिलेगा बंबई हाई कोर्ट। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं वो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आंसर लिखेंगे, जल्दी से चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।
मैं आपको समझाता हूं यहां पर हाई कोर्ट के बारे में जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अगर मैं आपको यहां पर लिखूं कि बंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन है, तो बंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत मैं आपको ओरली बता देता हूं, आप याद कर लीजिएगा। एक तो महाराष्ट्र है, एक गोवा है, दादर नागर हवेली, ठीक है, वो उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता था। अब एक और है जो पंजाब और हरियाणा का है, दूसरा जिसको आप चंडीगढ़ के अंदर एक हाई कोर्ट देखते हैं ना, या एक गुवाहाटी की हम बात कर लेते हैं, गुवाहाटी की हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर आपको चार राज्य देखने को मिलेंगे। एक असम मिलेगा, ठीक है, असम है, असम के साथ साथ आप देखोगे नागालैंड है, नागालैंड के साथ साथ आप देखना, ठीक है, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये तीन, ये चार राज्य इसमें देखने को मिलते हैं। बंबई में अगर राज्यों की बात करते हैं तो महाराष्ट्र और गोवा ये रहेंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं अगले एक और हाई कोर्ट की, जिसमें अगर केवल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ना होकर के केवल राज्य राज्य हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा पंजाब एवं हरियाणा वाला राज्य, ठीक है, पंजाब, उसका नाम है पंजाब एवं हरियाणा, इसमें पंजाब और हरियाणा दो हैं, और आप चंडीगढ़ के मामले भी जो हैं आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसमें पंजाब मिलेगा, हरियाणा है और चंडीगढ़ है, ठीक है। ऐसे ही चार और यूनियन हाई कोर्ट है जिसमें एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे कि अगर हम एक और की बात कर लें यहां पर पंजाब और हरियाणा के बाद, तो मद्रास हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। मद्रास जो हाई कोर्ट है ना, उसमें आपको तमिलनाडु एवं पुडुचेरी, या उसको पुडुचेरी उसको बोलते हैं, ठीक है, ये मिलेंगे। पुडुचेरी में एक बार ट्रेवल करने गया और वहां पर मैंने देखा कि यार वहां पर तो रूल रेगुलेशन है ही नहीं, बड़ा खतरनाक मामला है यार पुडुचेरी, आप कभी जाओगे ना घूमने तो वहां पर छोटा सा एरिया, वहां पर देखना हेलमेट नहीं पहनता कोई भी, सभी बाइक स्कूटी वगैरह ऐसे घूम घूम करके घुमाएंगे और कोई हेलमेट नहीं, कोई ट्रैफिक लाइट का फॉलो करना नहीं, कहीं से भी निकाल ले जाएंगे, कैसे भी ले जाएंगे, कुछ भी ट्रैफिक रूल्स नहीं। मैंने इतना मतलब रूल्स को ब्रेक डाउन होते वही देखा। शराब बड़ी सस्ती है, दारू बड़ी सस्ती है, ये सर ये सही का पॉइंट बताया आपने, अब अभी ना कहीं मजे की बात, अब आया ना मजा, अब देखते हैं, अब जाएंगे सर वहां पर, और वहां पर सस्ती सस्ती चीजें मिलेंगी, और वहां पर लेकिन वो सस्ती तो है लेकिन आप वहां से कहीं और ले जा नहीं सकते शराब को। वहां का रूल ये है कि एक पर्सन एक बोतल जो है वो लेकर के जा सकता है अदर स्टेट्स में, वो भी खोल करके, पैक नहीं, सील पैक नहीं ले जा सकते, खोल करके उसमें से थोड़ा सा ड्रिंक किया हुआ होना चाहिए, निकला होना चाहिए उसके बाद, नहीं तो चेकिंग करते पकड़े गए तो बड़ा मोटा पैसा लगेगा, बहुत जुर्माना देना पड़ेगा भाई, ठीक है। एक हाई कोर्ट है पांचवा, जिसको हम बोलते हैं केरल हाई कोर्ट, ठीक है। अब केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आप देखोगे तो केरल और लक्षद्वीप आते हैं, केरल और लक्षद्वीप, ठीक है, ये मिलते हैं। छठा हाई कोर्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो जम्मू कश्मीर का है, जे एंड के का। अब जम्मू और कश्मीर वाले में क्या है, जे एंड के तो है ही, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लद्दाख भी है। अब एक हाई कोर्ट बच गया, उसके बारे में आप सबको बताना है, सातवां हाई कोर्ट, उसको हम बोलते हैं कोलकाता हाई कोर्ट, ठीक है, कोलकाता। अब कोलकाता वाले में क्या है, नाम से ही आप बता देंगे, एक तो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल आ गया, साथ में अंडमान आ गया, अंडमान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ना, उनका भी यहां पर वो है। तो ये सात हाई कोर्ट इंडिया में ऐसे हैं जिसमें एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन जो है बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको करा दिया है, मैं यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं भाई आगे। अब देखिए संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली के पास अपना खुद का हाई कोर्ट है, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पास भी अपना हाई कोर्ट है, ठीक है, इनके पास एक ही है, उसमें कोई स्टेट उसमें इंक्लूड नहीं है। अब एक और चीज ध्यान रखना है,
कि संसद के पास ये पावर है, पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो एक हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ा सकती है, ठीक है, उसमें कई सारे यूनियन टेरिटरीज को जोड़ सकती है, कुछ यूनियन टेरिटरी को अगर वहां से हटाना हो, उससे बाहर करना हो, तो वो बाहर कर सकती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को इंक्रीज कर सकती है, बढ़ा सकती है, ठीक है, किसी और यूनियन टेरिटरी को उसमें जोड़ सकती है, या यूनियन टेरिटरी को वहां से हटाकर किसी अदर में जोड़ सकती है, ये चीज है, लेकिन उसकी न्यायिक शक्तियां कम नहीं कर सकती, ठीक है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पार्ट 6 है, उस पार्ट 6 में आर्टिकल है 214 से 231, ये आपको हाई कोर्ट से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बस इतना देख लीजिएगा, पार्ट 6 और हाई आर्टिकल 214 से 231, 214 से 231 ये हाई कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें हाई कोर्ट के बारे में जितने भी प्रोविजन है सारे के सारे प्रोविजन दिए गए हैं, एक एक करके हम जान लेते हैं, संरचना किस तरीके से होती है, नियुक्ति किस तरीके से होती है, ठीक है। अब सिंपल सी चीज है, जितने भी हाई कोर्ट है भारत के अंदर, चाहे वो एक राज्य का एक हो या साझा अलग अलग कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक राज्य हाई कोर्ट बनाया गया हो, उन सब में एक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस जिसको बोलते हैं, वो तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ कुछ और अन्य न्यायाधीश भी होंगे। अब अन्य न्यायाधीश कितने होंगे ये कोई फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, हर स्टेट में आपको थोड़े सी थोड़ी थोड़ी देर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाते हैं, अंतर देखने को मिलता है। ये पावर दी गई है राष्ट्रपति को, ठीक है, आवश्यकता अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति जितने चाहे वो संख्या वहां पर बढ़ा सकते हैं, ये यहां पर रही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपको फिक्स है अभी सीटें, आपको पता है कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई प्लस जज आप देखोगे तो 34 जजेज है, 34 जज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हर हाई कोर्ट में यहां पर ऐसी सीटें फिक्स नहीं है, ठीक है। हाँ, मिनिमम एक सीजीआई तो होगा ही होगा और बाकी अन्य न्यायाधीश होंगे, कितने होंगे वो टाइम टू टाइम जरूरत के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो डिसाइड करते हैं। संख्या के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं बोलता है, राष्ट्रपति के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दिया जाए। अब राष्ट्रपति के डिस्क्रिप्शन, राष्ट्रपति का विवेक का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी हाई कोर्ट में पॉपुलेशन संख्या जो है जजों की बढ़ा देगा, नहीं, उसके लिए उसको मंत्रिपरिषद की रिकमेंडेशन चाहिए, यानी कि सरकार जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसके ऊपर छोड़ दिया, वो जैसे चाहेगी वैसे हो जाएगा। राष्ट्रपति तो बस केवल नाम है, असली काम तो उनके पीछे से मंत्रिपरिषद करेगी, सरकार करेगी, केंद्र की सरकार है ना, तो अल्टीमेटली केंद्र की सरकार जहां चाहेगी वहां पर संख्या बढ़ा सकती है, लेकिन टेक्निकल वर्ड्स में, तकनीकी शब्दों में उसको राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, तो राष्ट्रपति के विवेक पर बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करता है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि भारत में केंद्र और राज्य के स्तर पर आप देखोगे ना तो सेंटर की जितनी भी नियुक्तियां हैं, केंद्र की जितनी भी नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, महत्वपूर्ण सभी प्रमुख प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति करेंगे। राज्य की जो प्रमुख प्रमुख महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजिस की अपॉइंटमेंट नियुक्ति वो भी राष्ट्रपति करते हैं, तो ऐसे में काफी सारे स्टूडेंट इस सीट को लेकर के कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि यार क्या हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट भी कहीं राष्ट्रपति तो नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं कि कहीं राज्यपाल तो नहीं करेंगे, क्योंकि राज्य में ज्यादातर अपॉइंटमेंट तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट के जजिस की अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट ही करेंगे। अब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से तो कर नहीं सकते, ठीक है, इसके लिए एक सिस्टम है। एक सिस्टम क्या चलता है कि मान लेते हैं कि हाई कोर्ट के सीजीआई मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ना उसके लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, सबसे पहले भारत के सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश है ना, वो अपने साथ अपने जो वहां के सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेज हैं है ना, प्रमुख प्रमुख जो जज हैं, उन जजों से परामर्श लेकर के फिर इनको परामर्श देगा राष्ट्रपति को। इसके साथ साथ जिस राज्य में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाने वाली है उस राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लेते हैं न्याय। तो इसका मतलब एक तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से परामर्श लिया और एक राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया, इन दोनों का परामर्श लेकर के फिर राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करते हैं किसको, किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। अब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, ठीक है, उसके बाद बाकी भी तो जज हैं, उन जजों की भी तो अपॉइंटमेंट करनी है, तो उन जजों की अपॉइंटमेंट में एक एक्स्ट्रा परामर्श और लेना पड़ता है राष्ट्रपति को, वो एक्स्ट्रा परामर्श हो जाता है हाई कोर्ट के मुख्य
मुख्य न्यायाधीश जिसको उसने अपॉइंट किया है, तो उससे भी परामर्श करना पड़ता है कि बताओ किन किन जजों को यहां पर अपॉइंट करें, ये होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा राज्य हाई कोर्ट है जिसमें दो या दो से ज्यादा राज्य इंक्लूड है, अब वहां पर किसी मुख्य न्यायाधीश को वहां पर नियुक्त करना है, ठीक है, वहां पर किसी न्यायाधीश को नियुक्त करना है, तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करते हैं, मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के साथ उस जितने भी राज्य हैं उस हाई कोर्ट के अंतर्गत जितने भी राज्य आते हैं उन सभी राज्यों के राज्यपाल से परामर्श करेगा। अगर एक हाई कोर्ट एक राज्य में है, एक राज्य का केवल एक ही हाई कोर्ट है, तो उसमें एक ही राज्यपाल से होगा, लेकिन एक हाई कोर्ट के अंदर तीन चार स्टेट आते हैं, तो उन तीनों चारों स्टेट के राज्यों के राज्यपाल से परामर्श करना आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। अब योग्यताएं कितनी होनी चाहिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए, तो आपको जानकर के सरप्राइज होगा कि मैक्सिमम जो सुप्रीम कोर्ट की योग्यताएं हैं उससे ही मिलती जुलती से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक तो भारत का नागरिक हर जगह है, अब उसको भारत में न्यायिक कार्य का 10 साल का अनुभव या उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहने का अनुभव उसको होना चाहिए। अब सरप्राइजिंग चीज क्या है, देखिए हम न्यूनतम एज की बात करते हैं नियुक्ति के लिए कि अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। जैसे आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, आपको आईएएस बनना है, आईएएस बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए मेरे दोस्त, 21 साल, ठीक है। आपको एमपी बनना है, आपको एमएलए बनना है, तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल, है ना। आपको विवाह करना है, आपको शादी करनी है, आप लड़के हैं, है ना, और आप जल्दबाजी में कि यार अब तो शादी करनी ही करनी है, तो आपको इसके लिए भी 21 साल की उम्र चाहिए, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट का जज बनने के लिए संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरीके की मिनिमम एज लिमिट नहीं तय की गई कि भैया कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए, न्यूनतम आयु का निर्धारण ही नहीं किया गया है। तो ये याद रखना है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामले में भी सेम यही चीज है, मिनिमम एज नहीं बताई गई है, ठीक है, न्यूनतम उम्र नहीं है। कभी आप कंफ्यूजन में रहो यूपीएससी में या किसी भी एग्जाम में सवाल आ जाए और ये पूछ लिया जाए कि बताओ भाई कितनी एज है, कितनी एज होनी, कितनी उम्र का व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है ना, और फिर आप उसमें उम्र लिखने लगे हो, नहीं उम्र नहीं, ठीक है। तो एक ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करता है किया जाता है, तो नियुक्त करते टाइम, ठीक है, उसको शपथ दिलवाई जाती है, इस चीज को ध्यान रखिए। अब आप देखोगे कि यार अपॉइंटमेंट तो की राष्ट्रपति ने, ठीक है, अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति ने की, लेकिन उसकी शपथ कौन दिलवाएगा, कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा कौन शपथ दिलवाता है, कोई भी, तो देखना यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ, शपथ दिलवाएगा राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। तो ओथ जो है वो राज्यपाल दिलवाएगा, नियुक्ति जो है वो करेगा कौन, अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। अब मैक्सिमम एज कितनी है, तो 62 साल तक रहती है। एक राज्य का राज हाई कोर्ट का जज जो है वो 62 इयर्स तक अपनी पोस्ट पर रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अगर जज की अगर हम बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो 65 इयर्स तक अपनी पोस्ट पर रह सकता है, ठीक है। ये नहीं लिखा गया कि कितने साल तक रह सकता है, तो साल नहीं बताए गए। जैसे आप कई सारी पोस्ट में देखते हो ना कि 5 साल या 65 वर्ष, 6 साल या 65 वर्ष, तो यहां पर 62 वर्ष की वो की गई है, टर्म नहीं बताया गया कितने साल। अब बात करते हैं उनको हटाने की, तो न्यायाधीशों को हटाना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा ही टफ टास्क है भाई। भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जिस तरीके से हटाया जाता है, उसी तरीके से हाई कोर्ट के जजेस को भी हटाया जाता है, सेम प्रक्रिया है, एक जैसी ही व्यवस्था है जिसका पालन किया जाता है। राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जाता है, ये बात है, लेकिन राष्ट्रपति का आदेश एक बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद आता है, अपनी मर्जी से राष्ट्रपति का आदेश नहीं आता। सबसे पहले तो क्या होगा कि वो मामला जाएगा, न्यायाधीशों के हटाने वाला मामला है वो संसद के अंदर जाएगा, ठीक है। अब संसद में मैं आपको प्रक्रिया समझा देता हूं लिख करके कि संसद में किस तरीके से प्रक्रिया होगी। वो मामला अगर मान लीजिए राष्ट्रपति किसी हाई कोर्ट का कोई जज है उसको हटाने का मामला है,
तो उसके लिए सबसे पहले उस मामले को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, संसद में ले जाना पड़ेगा। अब संसद के किसी भी सदन में यह प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। अगर लोकसभा में ले जाना है तो लोकसभा के 100 सदस्य, अगर 100 सदस्य 100 मेंबर जो है ना, वो अपने हाथ से हस्ताक्षर करके प्रस्ताव वहां के अध्यक्ष को दें तो वहां पर प्रारंभ हो सकता है। राज्यसभा में अगर मामला होगा तो राज्यसभा के 50 मेंबर अगर वो हस्ताक्षर करें, ये अगर हस्ताक्षर करें और ये हस्ताक्षर करके अपने पीठासीन अधिकारी को दें, लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरपर्सन, तो उसके बाद ये मामला शुरू किया जा सकता है। अब वहां पर भी मामला अटकेगा, वहां पर भी उनके पास पावर है जो पीठासीन अधिकारी है कि वो उस मामले को स्वीकृत करें या अस्वीकृत करें। वो इस मुद्दे को, इस मामले को मना भी कर सकते हैं कि जाओ भैया क्या फालतू में लेकर गए, नहीं करना मेरे को, ठीक है। लेकिन अगर उनको लगता है कोई सीरियस मैटर है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो मामला ही खत्म। लेकिन अगर मान लीजिए स्वीकृत कर लिया इन्होंने, ठीक है, इन्होंने स्वीकृत कर लिया, तो स्वीकृत करने के बाद फिर उसके बाद एक जांच समिति बनाई जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट वोटिंग नहीं होगी, पहले जांच समिति बनेगी, मेरे दोस्त ध्यान से समझना, जांच समिति बनाई जाएगी। अब जांच समिति में 3 सदस्य होंगे, 3 मेंबर होंगे। कौन कौन से 3 मेंबर होंगे, अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं वो रहेंगे, अगर मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो रहेगा, एक हाई कोर्ट का जज रहेगा, ठीक है। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश जो है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वो रहेगा, और एक कोई प्रख्यात न्यायविद, ठीक है, एक न्यायविद उसको बोलते हैं, वो उसमें हो सकता है, जिसको कानून की बहुत ज्यादा जानकारी हो, जुडिशरी सिस्टम के बारे में बहुत जानकारी हो। ये 3 लोग मिलकर के जांच करेंगे, ठीक है। अब इनकी जांच के बाद अगर इस समिति को लगता है कि यार जो ये न्यायाधीश है ये दोषी है, अयोग्य है ना, कदाचार का दोषी है, कदाचार का अगर इसको दोषी मान लिया जाता है तो ये रिकमेंड करेंगे, फिर ये कहेंगे कि ठीक है भाई इसको हटाने के लिए अब संसद जो है ना वो प्रस्ताव पर विचार कर सकता है, ठीक है, सदन जो है सदन विचार कर सकता है। उसके बाद संसद में वोटिंग होती है, फिर संसद में वोटिंग कैसे होती है, विशेष बहुमत से, इसको विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी, तो विशेष बहुमत से उसको वोटिंग के माध्यम से हटाया जाता है। अगर विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास चला जाता है मामला, और राष्ट्रपति फिर उसको एक आदेश पारित करते हैं, और एक आदेश पारित करके उनको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब ये प्रक्रिया देखो मेरे दोस्त, इतनी जटिल प्रक्रिया, इतनी जटिल प्रक्रिया कि सपने में भी नहीं सोचता कोई। अगर किसी को, किसी के हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कोई मामला चलाना है या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कोई मामला चलाना है तो वो ये लंबी प्रक्रिया देख करके ही हाथ खड़े कर देंगे कि यार ना भाई ये ना हो पाएगा, क्योंकि इतनी सारी प्रक्रिया है, इतनी सारी सब वो है, संभव ही नहीं हो पाता है कि इस तरीके की चीजों। इसीलिए रोचक तथ्य ये है कि भारत में आज तक हाई कोर्ट के किसी भी जज के ऊपर, किसी भी न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है, ठीक है। ये प्रक्रिया याद कर लीजिए, सबसे पहले संसद के सदस्य हस्ताक्षर करके पीठासीन अधिकारी को प्रस्ताव देंगे, पीठासीन अधिकारी उसको स्वीकार करेंगे तो जांच समिति बनाई जाएगी, जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई या उसके सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक न्यायविद, ये 3 जांच करेंगे। अगर ये दोषी नहीं पाते तो मामला खत्म, अगर ये उसको दोषी पाते हैं कदाचार का, तो फिर संसद में वोटिंग होगी, दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए होगा, विशेष बहुमत के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति एक आदेश पारित करके फिर उसको हटाएंगे। ये प्रक्रिया है, ये बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है, इसलिए आज तक भारत में एक भी जज के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया। चलो ये मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे प्यारे दोस्त हैं, सब समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये विशेष बहुमत मैंने आपको बता ही दिया, उसी तरीके से होता है। उनको हटाने के 2 आधार होते हैं, एक तो सिद्ध कदाचार हो, ठीक है, और एक अक्षमता। इन 2 बेसिस पर उनके ऊपर हटाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा सकती है, ठीक। इसलिए कई बार ये सवाल आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया वो सेम वैसी है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। तो कई बार आपसे यूपीएससी में एक लाइन दे दी जाती है ना कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को
यूपीएससी के अध्यक्ष की को हटाने के तरीके के अनुसार, हटाने की प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को हटाने की प्रक्रिया एक है, बाकी मामलों की प्रक्रियाएं जो है वो अलग होती हैं। अब अगर स्थानांतरण की बात करते हैं, ट्रांसफर की बात करते हैं, तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक हाई कोर्ट में अगर कोई जज बन गया तो वो परमानेंट उसी हाई कोर्ट में रहे, उनका ट्रांसफर हो सकता है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है ना, उन मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना पड़ेगा एक बार राष्ट्रपति को, ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रपति एक जगह से दूसरी जगह पर उसका स्थानांतरण जो है वो कर सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन अब इस स्थानांतरण के मामले में आपको एक चीज समझना है, ट्रांसफर का मामला बड़ा भी जटिल है। ये भी यहां पर तो लाइन में सिंपल सा लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति स्थानांतरण कर सकता है, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश का जो परामर्श है, उस परामर्श के पीछे भी एक लॉजिक है। मुख्य न्यायाधीश अपने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट चार न्यायाधीश, जो कोलेजियम के सदस्य होते हैं, चार वरिष्ठतम न्यायाधीश, उनसे परामर्श करेगा। इसके साथ साथ दो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनसे परामर्श करेगा। दो, अब कहोगे सर दो हाई कोर्ट कौन हो गए, तो मैं यहां पर पहले तो लिख देता हूं, परामर्श जब मुख्य न्यायाधीश जो है ना वो करता है, तो वो चार सीनियर मोस्ट जज कहां के, सुप्रीम कोर्ट के, दो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, ठीक है, कौन से हाई कोर्ट जिससे उसको जाना है, जहां पर उसको जाना है, और एक जिधर से उसका ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, जहां से स्थानांतरण हो रहा है और एक जहां पर जाना है, ठीक है, दोनों हाई कोर्ट के उनसे परामर्श लेगा, फिर वो परामर्श देगा राष्ट्रपति को, तब राष्ट्रपति इसको वो करेगा स्थानांतरण। तो ये प्रक्रिया भी काफी जटिल है, आसान नहीं है। केवल अकेले सीजीआई के परामर्श से राष्ट्रपति स्थानांतरण नहीं कर सकता। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए और ये पूछ लिया जाए कि भारत के हाई कोर्ट के जज का स्थानांतरण केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति कर सकता, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का जो परामर्श है उसके लिए पीछे का लॉजिक ये है, चार सीनियर मोस्ट जज और दो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से वो परामर्श करेगा। अब मुद्दा आ जाता है स्वतंत्रता का। भाई हाई कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हाई कोर्ट अगर स्वतंत्र रहेगा तभी वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, तभी वो प्रभावी रूप से काम कर पाएगा, तभी जनता की उसमें श्रद्धा बनी रहेगी, तभी वो सही निष्पक्ष आधार पर फैसला कर पाएगा। इसलिए ये जरूरी था कि उसको बाहरी दबाव से मुक्त किया जाए। बाहरी दबाव का मतलब यहां पर खास तौर पर मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका के दबाव की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है, कार्यपालिका की, क्लियर, उसको मंत्रिपरिषद यानी कि कार्यपालिका के दबाव से, अतिक्रमण से, हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। इसके लिए कई सारे प्रावधान दिए हैं ताकि वो बिना डर के, बिना पक्षपात के, बिना भय के अच्छे से न्याय कर पाए और बेहतर काम कर पाए। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए जो किया गया है वो है उनकी नियुक्ति की विधि। देखिए उनकी अपॉइंटमेंट जो है ना, उसमें आप देखोगे कि मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और अगर हमारे जो भारत के सीजीआई हैं उनकी परामर्श, और अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य जजों की नियुक्ति है तो उसमें हाई कोर्ट के जज का परामर्श, ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है। राज्यपाल का परामर्श भी करता है राष्ट्रपति तो, लेकिन आप देखना कि ऐसी नियुक्ति में इनको सीजीआई और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी बात को ही वरीयता देनी पड़ती है, अपना इंटरफेरेंस नहीं चला सकते, अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो इनकी जो नियुक्ति है ना वो व्यवहारिक रूप से होती है, पक्षपात रूप से नहीं होती है, ठीक है, अपनी मर्जी से सरकार नहीं कर सकती। तो ऐसे में जो योग्य व्यक्ति होगा उनको वो अपॉइंट करते हैं, तो ऐसे में ये किसी के ऊपर इनके यहाँ कोई एहसान नहीं होता है। अब जब आपके ऊपर किसी का एहसान नहीं है, आपको पता है कि भाई आप किसी के वो नहीं हो, तो फिर आप खुल करके काम करोगे, है ना। लेकिन आपको ये पता रहता है कि यार कि मेरी नियुक्ति तो इसने की है, इसने मेरे पे दया की है, तो मैं भी इसका एहसान उतारू, तो उसमें हो सकता है पक्षपात कर सकते हो। तो नियुक्ति की विधि में कर दिया। एक कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है कि भाई कार्यकाल की सिक्योरिटी है, एक बार अगर हाई कोर्ट के जज बन गए तो वो हटाने का तरीका वही है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इतनी लंबी प्रक्रिया, उसके अलावा आप
अपनी मन मर्जी से कभी भी नहीं हटा सकते। हाँ, आप अगर इस्तीफा दें, मृत्यु हो जाए तो अलग चीज है, लेकिन वैसे नहीं हटाया जा सकता। तो ऐसे में इनको एक सुरक्षा मिली रहती है, फ्रीडम मिला रहता है कि यार हम फ्री होकर के काम करेंगे। अगर हम सरकार के, हमारा कोई डिसीजन ऐसा है जो सरकार के खिलाफ आ रहा है, तो भी उनको डर नहीं लगेगा, वो खुल करके बिंदास देंगे, क्योंकि उनको पता है कि सरकार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती उनका, ठीक है। क्यों? इसलिए वो निष्पक्ष होकर के फैसला देंगे, गलत फैसला नहीं सुनाएंगे। सेवा की निश्चित सेवा की शर्तें हैं, ठीक है, कि कितना वेतन मिलेगा, पेंशन मिलेगी, विशेषाधिकार, अवकाश, सब उनकी निर्धारित है, और उनमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि एक बार अपॉइंट हो गए, तो अपॉइंट होने के बाद उनको कभी भी, ये ध्यान रखना, उनमें नेगेटिव चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। केवल एक अपवाद है, आर्टिकल 360, 360, जब वित्तीय आपातकाल लागू होता है उस समय उनके वेतन भत्तों को कम किया जा सकता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति कभी आई नहीं। तो ऐसे में आमतौर पर लोग किसी का दबाव में क्यों आते हैं, सबको लग इसलिए आते होंगे, है ना। प्राइवेट सेक्टर में देखना, लोग बहुत प्रेशर में काम करते हैं, उनको लगता है यार कि अगर हम अपने बॉस की बात नहीं मानेंगे तो सैलरी कम कर देगा, है ना, सैलरी इंक्रीज नहीं करेगा, छुट्टी नहीं देगा, ठीक है, नौकरी से निकाल देगा, ये डर लगता है। तो डर के मारे फिर वो लोग फ्रीडमली काम नहीं कर पाते, सही काम करने जाएंगे वो नहीं कर पाते, है ना, उनको प्रेशर में, दबाव में किसी दूसरे के अनुसार काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा मामला है ही नहीं, तो जज जो है बिल्कुल खुल करके काम करेंगे। संचित निधि पर भारी व्यय है, तनख्वाह हमेशा आती रहेगी, वोटिंग होगी नहीं उनके उनके ऊपर, पैसों के ऊपर, और ना ही न्यायाधीश के जो कार्य हैं। साधारण अवस्था में अगर हम बात करते हैं, तो इन किसी भी जो हमारे उच्च न्यायालय के जो जज हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, वो आप देखोगे तो उनके सामने, उनकी ना तो विधानमंडल में ना ही संसद में उनके ऊपर चर्चा कर सकते हो आप। हाँ, अगर उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है, उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, तब आप उसके ऊपर चर्चा कर सकते हो, वैसे कहीं पर भी चर्चा नहीं कर सकते, यानी कि आलोचना भी नहीं कर सकते एक तरीके से, ठीक। सेवानिवृत्ति के बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे, तो रिटायरमेंट के बाद वो अपने हाईकोर्ट में, जिस हाईकोर्ट में उसने काम किया है, वहां पर कभी भी वकालत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। भारत के जो छोटे, उस हाईकोर्ट के निचले स्तर के जो वो है कोर्ट, वहां पर वकालत नहीं कर पाएंगे, केवल दो जगह पर कर पाएंगे, एक तो बाकी के हाईकोर्ट जितने हैं वहां पर, और एक भारत का सुप्रीम कोर्ट, उनमें वो बहस का कार्य कर सकते हैं, उसमें वो वकालत का कार्य कर सकते हैं, और कहीं नहीं। तो इसको सरकारें जो है वो लालच भी नहीं दे पाएंगी। अगर अदालत की अवमानना होती है, तो अपनी अवमानना के लिए उनके पास दंड देने की भी शक्ति है। दो तरीके की अवमानना होती है, एक आपराधिक अवमानना और एक सिविल अवमानना, है ना, आपने पढ़ा होगा इसको, मैंने एक बार एमसीक्यू में भी आपको कराया था कि आपराधिक और सिविल अवमानना। तो दोनों तरीके की अवमाननाओं के लिए वो आर्थिक दंड भी दे सकती है, और इम्प्रिजनमेंट, सजा, जेल में भी भेज सकती है। हाई कोर्ट अपने सारे कर्मचारियों की नियुक्ति खुद करता है, उसके लिए उसको कार्यपालिका की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे में उनके कर्मचारी भी वो अपने हिसाब से निष्पक्ष तौर पर नियुक्त करता है, ठीक है। इसके न्यायिक क्षेत्र में आप कमी नहीं कर सकते, कटौती नहीं कर सकते, ठीक है। जुडिशियल आप देखोगे, ये इसका जुरिस्डिक्शन जो है उसको बढ़ा जरूर सकते हो, लेकिन कम नहीं कर सकते। तो ये सारे ऐसे मामले हैं जिनके कारण हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट के जज जो है, वो बहुत ही निष्पक्ष आधार पर काम करते हैं, और बेहतर तरीके से काम करते हैं, बिना दबाव में काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी न्याय क्षेत्र और शक्तियां, वो तो होगी इसकी निष्पक्षता। अब न्याय क्षेत्र और शक्तियां बहुत जरूरी है, कि किस तरीके की शक्तियां हैं, किस तरीके का काम किया जा सकता है। तो हाईकोर्ट के बारे में, इसको जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान का व्याख्या का अधिकार है, तो राज्य में संविधान की व्याख्या का अधिकार हाईकोर्ट के पास होता है। इसकी प्रमुख प्रमुख शक्तियां हैं, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बोला जाता है। अब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है कि कोई ऐसा मामला है, बहुत महत्वपूर्ण मामला, आप डायरेक्ट जाओ और हाईकोर्ट में मामला लेकर के चले जाओ। आमतौर पर तो क्या होता है ना, कि आप पहले छोटे किसी कोर्ट में जाओगे, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, वहां पर मामले समझ में नहीं आया, फिर हाई कोर्ट में जाओगे, ना ऐसा नहीं, सीधे हाई कोर्ट में जाओ, बहुत महत्वपूर्ण मामला है। तो कई सारी चीजें हो सकती हैं। अगर हम बात करते हैं, जैसे न्यायालय की अवमानना वाला मामला है, वो यहां पर इसका मूल क्षेत्राधिकार आता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर आर्टिकल 226 से आप सीधे यहां पर जा सकते हो हाई कोर्ट में। अगर इलेक्शन होता है एमपी का और एमएलए का, ठीक है, इनके इलेक्शन से संबंधित कोई भी विवाद होता है, तो वो विवाद डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाएगा।
हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जा आप अपील के माध्यम से ले जा सकते हो, लेकिन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कहां पर है, वो है हाई कोर्ट का। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो यहां पर है, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें रिट क्षेत्राधिकार, रिट इशू करने की पावर, तो ये इसके पास आर्टिकल 226 से है। अगर आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है ना, तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप दो जगह पर जा सकते हो, हाई कोर्ट में 226 के अनुसार और आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और ऐसे में ये रिट इशू कर सकते हैं। और आप सबने पांच प्रकार की रिट जानी है, बंदी प्रतीक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा, ठीक है। ये पांच प्रकार की रिट जो है वो जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। भारत विश्व में ये रिट इशू करने की पावर अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। हालांकि संसद चाहे तो वो उसको अन्य कोर्ट्स को भी दे सकता है, लेकिन अभी तक केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी गई है। अब ये रिट क्षेत्राधिकार देखोगे ना, इस रिट इशू करने की में भी हाई कोर्ट ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। अब कहोगे शक्तिशाली कैसे, सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा शक्तिशाली है। कैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन पर, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट इशू करते हैं। हाई कोर्ट जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स पे तो रिट इशू कर ही सकते हैं, अन्य अधिकारों पर, अन्य कानूनी लीगल राइट्स पर भी रिट इशू कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। इसका मतलब इसका ज्यूरिसडिक्शन जो है वो बड़ा है, ठीक है, हाई सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले। ये चीज देख लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए हम फास्ट फॉरवर्ड चल रहे हैं, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, ये मतलब डिटेल वाली नहीं, डिटेल वाली मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आप सब लोगों को, मेरे दोस्तों को, लाइन बाय लाइन एम लक्ष्मीकांत करवा चुका हूँ, उनकी मेगा मैराथन क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप वो देख लीजिए, और अगर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है, एक रिविजन करना है, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, इस चीज को देखना है, ठीक। और जो ये रिट इशू करने की पावर है ना, ये इनका जो है संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत है, तो इसमें कटौती नहीं कर सकता संसद। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि कोई मामला लोअर कोर्ट में है और उस लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में आया। जैसे कोई मामला है हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और उस हाई कोर्ट को लगता है यार कि उसमें कानून व्यवस्था का कुछ प्रश्न है, तो वो उस मामले को अपने पास बुलवा सकता है, ठीक है। अगर आप हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो आप वो मामला हाई कोर्ट में लेकर के जा सकते हो, उसको बोला जाता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि हाई कोर्ट के अंतर्गत जितने भी न्यायालय, सहायक न्यायालय आते हैं, उन सब के ऊपर ये नजर रखता है, उनके क्रियाकलापों पर नजर रखता है। उनके पास अगर कोई मामला है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कानून का कुछ मामला है, अपने पास मंगवा सकता है, सामान्य नियम तैयार करता है और जारी करता है, ठीक है, ये काम कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों पर ना केवल ये इस तरीके का न्यायिक पर्यवेक्षण और जांच पड़ताल करते हैं, बल्कि प्रशासनिक नियंत्रण भी होता है। प्रशासनिक नियंत्रण का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं जो अधीनस्थ न्यायालय है उसमें कौन आ गया, जिला न्यायालय आ गया, ठीक है। अब मान लेते हैं जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, अपॉइंटमेंट करनी है, पदोन्नति करनी है, ठीक है। तो ऐसे में वो नियुक्ति और पदोन्नति करेगा तो कौन? राज्यपाल करेगा। लेकिन राज्यपाल किसकी सलाह पर करेगा? हाई कोर्ट के परामर्श पर करेगा मेरे दोस्त, ठीक है, हाई कोर्ट के परामर्श पर। ऐसे ही राज्य की जुडिशियल सर्विसेज होती है, पीसीएस जे बोला जाता है ना, जो न्यायिक सेवाएं होती है राज्य की, उसमें भी आप देखना इनके तैनाती, स्थानांतरण, अनुशासन, अवकाश, पदोन्नति, इन सब के मामले हाई कोर्ट ही देखता है। अपने अधीनस्थ न्यायालय में कोई लंबित मामला है, उसको अपने पास मंगा सकता है, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। एक अभिलेख न्यायालय भी होता है। अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत दो बातें होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हाई कोर्ट के जितने भी जजमेंट आएंगे, फैसले आएंगे, उनको लिखित रूप से एक स्मृति, एक परिसाक्ष्य के लिए रखा जाता है, ठीक है, ताकि उनका यूज किया जा सके अन्य फैसलों में रेफरेंस के तौर पर। जो निचले न्यायालय हैं वो इन हाई कोर्ट के फैसलों को फॉलो करते हुए डिसीजन देंगे, इसके अगेंस्ट जाकर के, इसके खिलाफ जाकर के निर्णय नहीं दे सकते। दूसरी चीज अभिलेख के न्यायालय के अंतर्गत ये आती है कि अपनी अवमानना पर कानून वो दंड देने का अधिकार जो है न्यायालय का, वो साधारण प्रकार का दंड भी हो सकता है, आर्थिक दंड भी हो सकता है, कारावास भी हो सकता है, ठीक है। दो तरीके की अवमाननाएं होती है, एक सिविल अवमानना बोलते हैं और एक आपराधिक अवमानना। अगर हम सिविल अवमानना की बात करें
तो उसका मतलब यह है कि किसी न्यायालय ने एक निर्णय दिया, अब कोई आदेश दिया, अब कोई उस निर्णय और आदेश को जानबूझ करके नहीं पालन कर रहा तो वो सिविल अवमानना होगी। ठीक है, आपराधिक अवमानना का मतलब ये हो गया कि आपने जानबूझ करके ऐसी आलोचना, ऐसी कोई पत्र पत्रिका में या न्यूज चैनल में या सोशल मीडिया में, मीडिया में कोई ऐसे बयान और ऐसी चीजें की जिससे न्यायालय जो है कलंकित हो, उसका आदर सम्मान कम हो, दुराग्रह आपने दिखाया, ठीक है, उसके काम में हस्तक्षेप किया, तो वो आपराधिक अवमानना होते हैं। तो इन सब मामलों में वो आपको सजा दे सकते हैं। तो ये होती है भैया इसकी शक्तियां। न्यायिक समीक्षा की भी शक्ति है इनके पास, और न्यायिक समीक्षा की शक्ति का मतलब ये है न्यायिक पुनरावलोकन के तहत दो चीजें आपको समझनी है। एक तो अगर राज्य का विधानमंडल, केंद्र के लिए भी है, राज्य का विधानमंडल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, कि जो राज्य का विधानमंडल है ना, उस विधानमंडल ने कोई कानून पारित किया, अब वो कानून जो है संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता, मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, तो ऐसे किसी भी कानून को वो असंवैधानिक घोषित कर सकता है, खारिज कर सकता है। ठीक है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट करता है वैसे ही हाई कोर्ट के पास भी ये पावर होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलती है हाई कोर्ट के मामले में। इतना ही मेरे दोस्त, बस मामला समाप्त कर दिया ना, खल्लास, जल्दी की जल्दी समाप्त कर दे। सारी की सारी चीजें आपको सिखा दी, इंपोर्टेंट चीजें बता दी, तो इंपोर्टेंट चीजें बता दी तो जरा जोश दिखा दो। हाउस द जोश मेरे दोस्त, हाउस द जोश, कैसा है जोश, जिंदा है कि नहीं जोश, जज्बे से लाजवाब लबरेज भरपूर है कि नहीं, एक भरपूर लाजवाब लबरेज जोश होना चाहिए यार आप लोगों में, जोश होगा तभी काम चलेगा। उस हाई जोश के साथ बने रहिए, ऐसे ही आपका जल्दी जल्दी सारी चीजों का रिविजन अब मैं धड़ाधड़ कराने वाला हूं आपके लिए। बहुत देखना, पूरी एम लक्ष्मीकांत हम 35 से 40 घंटे में समाप्त कर देंगे, ठीक है। और लेकिन यार आप लोग लाइक शेयर नहीं करते, पता नहीं यार क्यों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप इतना भी प्यार नहीं करते अपने टीचर के साथ, इतना प्यार तो दिखा दो यार, लाइक शेयर कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो कैसी लगी क्लास, ठीक है। और अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये रेफरल कोड भी याद कर लो यार, आप लोग इस रेफरल कोड को पता नहीं क्यों भूल जाते हो, इस रेफरल कोड का नाम है LYLIVE, LY लाइव कोड अप्लाई करो यार, फीस में से आपको डिस्काउंट भी हो जाएगा, हमारी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी, और मैं वन ऑन वन गाइड करता हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स को, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, लाइफ टाइम प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गाइडेंस, गाइडेंस आपको रेगुलर मिलेगी, तो ये रेफरल कोड भी यूज कर लिया करो यार, LY लाइव कोड टू सक्सेस है ये, डिस्काउंट के साथ पर्सनल गाइडेंस और सारे टीचर्स की क्लासेस, हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहूंगा। बाकी फ्री PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, फिर से बोलता हूँ अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, फ्री PDF वहां पर सारी मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों मोड में मिल जाएंगे, जाइए बिंदास और ज्वाइन कीजिए सारे के सारे मेरे दोस्तों, ठीक है। अब चलो आपसे थोड़ी सी नई दोस्ती कर लेते, कुछ लोग मेरे को भूल गए हैं क्योंकि काफी दिन से क्लासेस नहीं ली, और कुछ लोग हो सकता है नए लोग आए जो मेरे को नहीं जानते, तो चलो थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं, मैं आपको एक बार अपना परिचय दे देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ये है मेरा छोटा सा परिचय, मेरा नाम है ललित यादव, क्या नाम है, ललित यादव, जरा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ क्या नाम है भाई मेरा, ललित यादव नाम है, ठीक है, आप सबका ही दोस्त हूं मैं भी, और मैंने डबल MA किया है लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से, MA में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर, BEd किया है, CTET क्वालिफाई है, MPhil किया है, उस MPhil में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर रहा हूं, ठीक है, PhD ऑलमोस्ट डन होने वाली है, थोड़े दिन में डॉक्टर ललित आपके सामने हाजिर रहेंगे, ठीक है। GRF मेरा क्वालिफाइड है लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान, नेट GRF का एग्जाम आपको पता होगा, तो वो मेरा दोनों सब्जेक्ट से क्वालिफाइड है। और अगर आपको फ्री PDF चाहिए और हमसे पर्सनली जुड़ना है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मेरे दोस्त, इसका नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, फिर से बोलता हूँ अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, इसको जाकर के ज्वाइन कीजिए, आपके लिए मैं रेगुलर तैयार हूं, हमेशा बना हुआ हूं, आपको पूरी की पूरी हेल्प मिलेगी, पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा, सारे PDF अवेलेबल हैं, मेरी अनअकैडमी की जो ऑफिशियल टीम है उसका नंबर है, डायरेक्ट अनअकैडमी की टीम से सीधा बात कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग, उनसे बोलोगे तो मेरे से भी बात करवा देंगे, मेरी टीम का भी डिटेल आपको मिल जाएंगी, मेरे से भी बात हो जाएगी, और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन ले लो मेरे दोस्तों अनअकैडमी पर, देखो भर भर के रिजल्ट हो रहे हैं, इतने टॉप रिजल्ट जो है अनअकैडमी से निकलते हैं, इंडिया के सारे टॉप टीचर्स एक साथ पढ़ाते हैं, किसी भी टीचर की कोई भी क्लास देख सकते हो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, बाइलिंगुअल में भी, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके आप वहां पर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा।
कभी भी लें तो 2 या 3 साल का लेना, 2 से कम मत लेना मेरे दोस्त, क्योंकि वेस्ट ऑफ मनी मैं मानता हूँ। कोर्स 2 या 3 साल का ही सबसे बेस्ट है। और जब भी कोर्स ज्वाइन करेंगे तो ये रेफरल कोड यूज कीजिएगा, यहाँ पर एक डिस्काउंट के लिए कोड लगाना पड़ता है इस जगह पर, वहां पर आपको अप्लाई करना है LYLIVE। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ फिर से LYLIVE, इधर भी लिख देता हूँ LYLIVE। LY लाइव रेफरल कोड मेरे दोस्त, फीस लगते ही मैजिकल कोड है, इसको हम बोलते हैं कोड टू सक्सेस। उसके रीजन ये है कि इससे आपको फीस में डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, जो अनअकैडमी के ऑफर्स हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, सभी टीचर्स की क्लास मिल जाएगी, आप किसी भी टीचर की क्लास देख पाओगे, आपके पास सारे टीचर्स की क्लासेस के साथ आपको हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों लैंग्वेज में क्लास मिलेगी, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशन मिलेंगे। और कोड टू सक्सेस मैजिकल कोड इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं इससे आपको पर्सनली गाइड करूंगा, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूँ एग्जाम पास करने के लिए। पर्सनल गाइडेंस से ज्यादा बड़ी चीज कुछ नहीं है, क्लासेस तो हर जगह होती है, लेकिन पर्सनल मेंटर मिलना टीचर के रूप में वो बहुत बड़ी बात है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो देखेंगे, तो वहां की मैंने आपको कई सारे वीडियोस डाले हुए हैं कि किस तरीके से मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूँ, वीडियो पर भी और डायरेक्ट मिल करके भी, तो वो सारे एक्सेस आपकी हमेशा रहेगी। ऑप्शनल कोर्स भी ले सकते हैं, अभी अनअकैडमी पर बहुत सारे अच्छे ऑफर्स चले रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर्स अनअकैडमी पर आपको जरूर मिलेंगे। ज्यादा डिटेल चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर टीम का नंबर है, बात कीजिए, सारे ऑफर्स की जानकारी मिलेगी। अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, फिर से बोलता हूँ अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। हर हफ्ते एक नया बैच शुरू होता है, आपको बिल्कुल बेसिक से क्लासेस मिलेंगी, जीरो से क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अगर आइकोनिक कोर्स लेते हो तो आपको बुक्स भी मिलेंगी, हर हफ्ते संडे को LY लाइव कोड अप्लाई करके स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो, टेस्ट दे करके टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो मेंस की LY लाइव कोड से। आइकोनिक कोर्स ज्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि उसमें एक तो सारे नोट्स मिलेंगे आपको, फिजिकल नोट्स, जितनी भी बुक्स हैं 20 बुक्स का सेट है अनअकैडमी का, वो सारे आपको कोर्स के साथ फ्री मिल जाएंगे, घर पर आ जाएगी। आप लाइव डाउट सॉल्विंग कर सकते हो, क्लास के अंदर सीधा बोल करके सवाल पूछ सकते हो, कन्वर्सेशन कर सकते हो, फोन पे जिस तरीके से बात करते हैं वैसे, ठीक है, वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी, मेंस की आंसर राइटिंग रेगुलर बेसिस पर रहेगी, ठीक है, तो ये बहुत सारे बेनिफिट वहां पर मिलेंगे। तो भूलना नहीं है, LY लाइव कोड के साथ ही लेना है, जब भी कोर्स लें तो आइकोनिक बेटर है, फीस थोड़ी ज्यादा है लेकिन करियर बन जाएगा। अब मुद्दे की बात पर आते हैं, मेरे ऐसे दोस्तों के लिए जो दोस्त फाइनेंशियली वीक है लेकिन पढ़ना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक हेल्प कर सकता हूँ, बहुत बड़ी हेल्प। वो ये कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास अभी एक साथ पैसा देने के लिए नहीं है, एक बार में पूरा पैसा नहीं दे सकते, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अनअकैडमी पर एजुकेशन लोन आपको दिलवा सकता हूँ। आमतौर पर वो सभी को नहीं मिलता, लेकिन मैं अपने सभी स्टूडेंट्स की गारंटी लेता हूँ, अपनी गारंटी पर उनको दिलवाता हूँ कि भाई मैं पे करूंगा, अगर इनसे बाद में इनके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है तो मेरी गारंटी पर दो। आप चाहे छोटे से स्टूडेंट हो, स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, आपके लिए वो अरेंज करना मेरा काम है, मैं अपनी गारंटी पर पूरा का पूरा पैसा आप फीस जो है अनअकैडमी पर एजुकेशन लोन के थ्रू आपकी भरवा दूंगा, आपका एडमिशन करवा दूंगा, सब्सक्रिप्शन दिलवा दूंगा। अब वो जो पैसा दिया गया ना, वो आपको महीना महीना करके लौटाना पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई ब्याज नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, जितना फीस उतना ही पैसा महीना महीना करके रिटर्न करना पड़ेगा। ये मैं आपको कर सकता हूँ, अपनी गारंटी पर लोन दिलवा सकता हूँ। उसके लिए आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट, तीन चीज देनी पड़ेगी, बाकी जिम्मेदारी गारंटर मैं हूँ, गारंटी मेरे पे छोड़ देना। इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, ठीक है, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। लेकिन कोड याद रखिएगा, जब भी कोड लगेगा तो LY लाइव ही लगेगा। अनअकैडमी से कॉल आए, कहीं से भी कॉल आए, उनको बोलना यही रेफरल कोड लगाना है भाई, कोड केवल LY लाइव, रेफरल कोड LY लाइव, इसको लगाना है, ठीक है। और जोश दिखाओ यार, जिंदा हो आप लोग, जज्बा होना चाहिए आप में, कैसा है जज्बा, हाउस द जोश, जिंदा है कि नहीं। मैं यहां पर भी कोड लिख देता हूँ, कोड का नाम है LYLIVE, जब भी कोर्स ले इसी रेफरल कोड से लेना, बाकी फिर समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी मेरी। हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश, कैसा है मेरे दोस्तों, हाई सर का आंसर आना चाहिए एक बार, इसी तरीके से हाई जोश में रहिए, लाइक शेयर करते चले जाइए क्लास को, कमेंट करके बताइए किस तरीके से लगी आपको, बेटर लगी कि नहीं, मैं आप सबके कमेंट्स रीड कर रहा हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए बिंदास, आप सबको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। एक बार आप सब लोग जरा कमेंट करके जरूर बताएं कि किस तरीके के कमेंट है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों के बारे में मिलता हूँ, पहले आप कमेंट करिए जरूर जल्दी से।
चलिए, तो आप सबने जितने भी प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, जो भी हमें हेल्प की सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। शेयर जरूर करना है सेशन को, लाइक जरूर करना है, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना है, और जोश इसी तरीके से हाई रखना है। अब आपके लिए इसी तरीके से जल्दी जल्दी मैं मेन मेन चैप्टर्स को बहुत ही शॉर्ट में निपटा दूंगा, जल्दी ही आपके करा देंगे। अभी कुछ बड़े बड़े चैप्टर थे ये, लेकिन अब आगे आने वाली क्लासेस आप देखना, बहुत ही छोटी छोटी, 15-20 मिनट, 15-20 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आपसे मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष, शुभकामनाएं आप सबको। जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।